हरे कृष्णा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहे हैं, जो कि सेकंड टेस्ट मैच के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। 16 दिसंबर से जो 20 दिसंबर के बीच में ये मैच रहेगा, टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, और सुबह 9:30 बजे ये शुरू होगा, और ये सेकंड टेस्ट मैच है। तो उसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं कि प्लेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं टेस्ट मैच में। अभी तक हम T20 के मैचों के करते थे, आज हम टेस्ट मैच की भी रीडिंग करके कर रहे हैं, और देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए और इंग्लैंड की टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए डेविड वार्नर, जो 16 तारीख से इनका टेस्ट मैच शुरू होगा, सेकंड टेस्ट मैच है, तो डेविड वार्नर का प्रदर्शन कैसा होगा इस मैच में? बढ़िया, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा और पॉजिटिव कार्ड आया है। गुड, ही विल प्ले गुड। मार्क्स हैरीज का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? गुड। मैरिनस लबुशानिया करके जो है, इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? गुड, ही विल प्ले गुड। स्टीव स्मिथ के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? यहाँ स्टीव स्मिथ के लिए कार्ड नेगेटिव आया है, ही विल नॉट प्ले गुड। ट्रेविस हेड करके जो है, उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? नेगेटिव, ही विल नॉट प्ले गुड। कैमरून ग्रीन है, उनका इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, ही विल प्ले गुड। एलेक्स कैरी का इस मैच में कैसा प्रदर्शन है? एवरेज एवरेज रहने वाला है एलेक्स कैरी का भी। पैट क्यूमिंस जो है, उनका इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, ही विल प्ले गुड। मिचेल स्टार्क हैं, उनका भी ठीक रहेगा, गुड रहेगा। नेथन लियोन है, उनका कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसा प्रदर्शन रहेगा? नेगेटिव, ही विल नॉट प्ले गुड। जॉस हेजलवुड हेजलवुड के लिए कार्ड्स ने अच्छी एनर्जी बताई है, ही विल प्ले गुड। तो इस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कार्ड्स देखे, और अब हम देखते हैं इंग्लैंड की टीम के लिए। इंग्लैंड की टीम के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? ये दूसरा टेस्ट मैच है जो 16 दिसंबर से शुरू होगा, और इनके बारे में कार्ड्स की क्या राय है, कार्ड्स क्या एनर्जी शो करते हैं, चलिए देखते हैं। आर बर्न्स हैं, उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? पहला ही कार्ड निराशाजनक कार्ड है, अकेलेपन का कार्ड है, कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं होती है, सैडनेस भी है, और एवरेज रहने वाला है। एच हामिद का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, ही विल प्ले गुड। डी मलान का इस मैच में कैसा प्रदर्शन है? गुड। जे रूट का 16 तारीख के मैच में बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, ही विल प्ले गुड। बी स्टॉक्स हैं, उनका इस मैच में बढ़िया रहेगा, गुड। ओ पॉप करके जो है, उनका इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है, ही विल प्ले गुड। जी बटलर का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा? गुड, ही विल प्ले गुड। सी वॉक्स, जो वॉक्स हैं, उनका भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा, कार्ड्स ने तो अच्छी एनर्जी बताई है। और रॉबिन्स का इस मैच में कैसा प्रदर्शन है? एवरेज। एम वुड के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? एवरेज। जेलिच के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? गुड, ही विल प्ले गुड। तो इस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों की ही प्लेयर्स की
एनर्जी देखी कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, कैसा प्रदर्शन रहेगा इनका। जो कार्ड्स से हमें बताया वही हमने आपसे शेयर किया। थैंक यू।